हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह के 9:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया और आज धूप निकल गई है, गर्मी वाला मौसम है। और आज का जो ब्लॉग है आज मैंने लेट ही स्टार्ट किया है, तो फटाफट से हम कर लेते हैं सफाई। मेरी चाय वगैरह हो चुकी है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, बच्चों का भी। बस भाई के लिए मुझे चाय बनानी है और ब्रेकफास्ट बनाना है, और साथ के साथ मैं लंच की तैयारी भी कर दूँगी, क्योंकि हस्बैंड जो हैं आज अभी तक नहीं आए लेट। वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, सीधा लंच करेंगे। तो दाल बनानी है, दाल बना दूँगी, और रोटी बनानी है, तो बस दाल भी मैं रख दूँगी। पहले मैं बना रही हूँ चाय, भाई के लिए चाय रख देती हूँ, और साथ में पराठी बना दूँगी उसकी। डेली जो है मैंने आप लोग को बताती हूँ कि उसकी दो पराठी मैं बना देती हूँ भाई की। और वो थोड़ा लेट करता है ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम उठ जाते हैं, हम अपना कर लेते हैं, उसका जैसे जॉब का टाइम होता है उस अकॉर्डिंग वो अपना ब्रेकफास्ट लेता है। वैसे तो वो 9-10 बजे कर लेता है, तो ये उसका टाइम रहता है। और कभी कभार जैसे लेट जाना हो तो फिर उस अकॉर्डिंग वो अपना ब्रेकफास्ट अपने हिसाब से करता है, क्योंकि वो लेट भी आता है, उसका काम ही कुछ ऐसा है। तो बस यहाँ पर उसके लिए दो पराठी मैं बना रही हूँ, और यहाँ पे मेरी बेटी दुकान पे गई थी तो वो मुझसे कोई बात कर रही है। घर के काम मेरे हो चुके हैं, उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा वर्कआउट किया था, और किचन का क्लीनिंग का रह गया था, तो अब किचन क्लीन कर रही हूँ मैं। और साथ में जो है मैंने बोला कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था भाई के लिए, तो उसके लिए सिर्फ दो पराठी बनानी है, बाकी तो बच्चों को मैंने खिला दिया है। बच्चे फ्री हो चुके हैं, बच्चों का तो कोई नहीं है, बच्चों को नहला भी दिया है। और बस क्योंकि 10 बजे तक पानी आता है, और बच्चों को बाहर नहाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पानी होता है खुला डुला और आराम से खुले में नहाना। बाथरूम में उनको ये होता है कि बाहर रहें तो थोड़ी देर मस्ती कर लेते हैं, ऐसा होता है। और मैं डेली बाहर की क्लीनिंग भी करती हूँ, तो फिर मुझे होता है कि चलो मैं धो दूँगी, आपको नहाना है तो नहा लो, बच्चों को छुट्टियाँ हैं, हॉलीडेज़ चल रहे हैं, फ़न भी करना थोड़ा थोड़ा तो बनता है, तो इसलिए वो आजकल बाहर ही नहाते हैं। क्योंकि क्या है कि एक तो बाहर पानी आता है, आराम से पाइप लगा कर बैठ जाते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं तो नहा लेते हैं दोनों। तो बस यहाँ पर मैंने भाई के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह उसकी चाय बना कर रख दी है, वो अपना भी नीचे आएगा, अपना खाना ले लेगा ब्रेकफास्ट। और मैं यहाँ पे रख रही हूँ दाल, और आज साबुत मसर की दाल बनेगी, दाल बना दूँगी, आटा गूंदा हुआ है, तो रोटी बन जाएगी साथ में। तो बस, और जब भी मैं दाल या कोई भी चीज़ बनाती हूँ साफ़ हो क्लीन हो, लेकिन एक बार मैं ज़रूर ध्यान दे देती हूँ, निगाह मार लेती हूँ कि कुछ ऐसा तो नहीं है उसके अंदर, जैसे कि कंकर वगैरह। क्योंकि हम चाहे जितना भी अच्छा ब्रांड या कुछ भी लें, अच्छी जो क्वालिटी लें, कहीं ना कहीं फिर भी हमको चेक करके ही चीज़ बनानी चाहिए। तो साबुत मसर की दाल हमारे घर में सबको पसंद है, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं, हस्बैंड भी, मैं भी, मुझे भी अच्छी लगती है। तो साबुत मसर की दाल हमारे घर में ज़्यादातर बनती है और दालों से। तो अभी ये दाल मैं दूंगी, तो मैंने अभी सोचा कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और हस्बैंड ने बोला मैं थोड़ा लेट आऊँगा लंच तैयार रखना, तो फिर मैं जो है अभी तैयारी कर रही हूँ, दाल वगैरह जो है मैं बनने के लिए रख दूँगी, और बर्तन धोने हैं बस, ये रह गया। और वैसे और मेरे सारे घर के काम हो चुके हैं, और बाहर का रह गया आउटडोर क्लीनिंग, वो भी मैं करके फिर नहाने के लिए जाऊंगी। दाल चढ़ा देती हूँ, फिर नहा कर आऊँगी, फिर उसके बाद तड़का वगैरह लगा दूंगी। तो ऐसे ही सुबह की मॉर्निंग शुरुआत होती है घर के कामों से, कहीं से भी कर लो, चाहे कि किचन से शुरुआत करूँ, चाहे मैं घर की क्लीनिंग से स्टार्ट करूँ, तो ऐसे ही सारा दिन निकलता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी दाल मैंने डाली, जैसे एक मुट्ठी, वो भी मैं ऊपर से चेक कर रही थी कि साफ़ है ना, कि चलो बना रही हूँ तो कम ना रह जाए, तो मुझे ये होता है, मुझे लगा थोड़ी है तो फिर मैंने थोड़ा सा ऐड और कर दिया। तो बस फटाफट से दाल चढ़ाऊंगी, मैं हमेशा उबाल कर दाल को फिर बाद में तड़का लगाती हूँ, कुछ लोग पहले भी लगा देते हैं, अपना अपना तरीका होता है, मेरा ये तरीका है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब भी मैं दाल बनाती हूँ उसके अंदर हल्दी और नमक मैं ज़रूर ऐड कर देती हूँ, और सीटी लगवा देती हूँ, फिर बाद में तड़का वगैरह आराम से लहसुन अदरक जो भी हमने डालना होता है फिर मैं बाद में बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैं ये ढक्कन धो रही थी इसका, क्योंकि रात को दाल बनाई थी और रात को हम गए थे कहीं बाहर, तो इस वजह से लेट हो गए थे, तो एक दो बर्तन मेरा रह गया था ना, नहीं तो मैं कुछ भी हो जाए, आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ मैं बर्तन क्लीन, किचन क्लीन करके सोती हूँ, कभी भी ऐसे मैसी नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि मुझे होता है एक बारी किचन में बर्तन धोकर सोऊँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझसे नहीं होता है, तो रात को मैं धोकर सोती हूँ। रात को जब हम आए थे बेटा मेरा जो है सोया हुआ था गोदी में, फिर लेट हो गया था इस वजह से, फिर उसको देखने के चक्कर में 2-4 बर्तन जैसे कुकर रह गया, एक आधा गिलास, अदरवाइज़ कुछ नहीं था, वो भी जाते समय छूटा था, आते वक्त ऐसा नहीं था। फिर मैंने सोचा आकर कर दूंगी, तो लेट ही बहुत आ गए थे घर पे, हम 10-11 बजे के करीब आए थे। तो यहाँ पर मैं जो है बर्तन वगैरह फटाफट से जो है क्लीन कर रही हूँ, धो देती हूँ बर्तन वगैरह, और बर्तन रह गए थे, बाकी मैंने दाल रख दी थी, बार बार की सफाई रह गई है, वो अब मैं करने के लिए किचन के बाद सीधा जा रही हूँ अब बाहर की क्लीनिंग करने के लिए, बाहर का रह गया था। तो यहाँ पर जो है हवा बहुत चल रही थी, धूप थी कि निकल गई है, बारिश अभी नहीं है, मतलब अब मौसम जो है धूप वाला है, गर्मी वाला है, बस ये कि ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी ना, सब उड़ रहा था अंदर से, झाड़ू मैं लगा कर ले आई थी, तो फिर मैंने अभी सोचा कि जो मतलब कागज़ वगैरह जैसे बच्चे फेंकते वो मैं ऐसे उठा देती हूँ, झाड़ू लगा
देती हूँ। और जहाँ तक कि ये क्या इसे बोलते हैं पेड़ है, यहाँ तक ये ट्री लगा हुआ, ट्री का हाल आप देख सकते हैं कितना येलो है ना, ख़त्म ही हो गया ट्री। मतलब इसको हम पानी भी प्रॉपर दिया, सारी किसकी केयर भी की, पता नहीं कैसे डैमेज हो गया, कैसे शायद धूप या गर्मी, खाद वगैरह इसको चेंज करनी थी हम तो वो नहीं हमने की, तो शायद इस वजह से हो गया। देखिए अगर कोई कमेंट्स में बता सकता है तो बताना ज़रूर कि इसको क्या दें और ये सही हो जाए, क्योंकि ये अब का नहीं है, हमारे घर बहुत टाइम हो गया, 7-8 साल हो गए हैं इसको, और अभी बड़ा दुख लग रहा है। बट ये देखिए नीचे आपको दिख रहे होंगे, मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया था मैंने मिर्ची के पेड़ पौधे वो लगाए हैं, लेकिन इसका क्या हो गया ना कि ये पर डैमेज हो गया। पानी भी प्रॉपरली देते हैं इसको, बारिश में इतने दिन बाहर निकाल के रखा है तो पता नहीं क्या, तो धूप आप देख ही सकते हैं कितनी कड़क और कितनी गंदे वाली धूप है, फिर से वही गर्मी दोबारा हो गई है, तो काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है, गर्मी वगैरह हो जाए ना बिल्कुल भी। लेकिन ये कि बच्चे नहाए थे बाहर, तो मैंने सोचा यहाँ तक जो एरिया ना मैं पानी से अच्छे से धो दूँगी, तो फटाफट से ये सारा जब मैं उठाती हूँ तो बस मेरे दिन की शुरुआत ऐसी होती है और सारा दिन ऐसे ही मेरा निकल जाता है घर के कामों में ही, और सारा दिन ऐसे ही होता है, चाहे घर के काम हो, कुछ ना कुछ तो काम निकल ही आता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम फ्री बैठ जाएं और अभी हम आराम से बैठ जाएं, ऐसा नहीं है, एक काम ख़त्म करेंगे तो एक खड़ा हो जाता है, ऐसा है। मैं डेली जो आप मानेंगे बाहर का अच्छे से सामान सारा सेट करती हूँ, लेकिन ये कि बच्चे बिल्कुल भी जो है रहने नहीं देते अच्छे से, इधर कभी उधर फेंक दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, लेकिन ये मेरा ये काम है, मेरी ये ड्यूटी है, वो तो मुझे ही करना है, तो वो मैं अपना फ़र्ज़ जो है निभाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये क्या किया कि ये जो एरिया है ना इस पर पानी था, तो मैंने सोचा ये वाला एरिया मैं यहाँ से पानी डाल के धो देती हूँ, और फटाफट मुझे ये था कि मेरा बाहर का काम ख़त्म हो जाए, यहाँ पे धूप बहुत लग रही थी, फिर मैं सीधा नहाने के लिए अपना चली जाऊँगी। तो कोशिश ये रहती है कि आप लोग के सच मैं सच डेली ब्लॉग शेयर करूँ, अच्छे अच्छे से ब्लॉग लेकर आऊँ, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी, और अपनी राय दे सकते हैं आपको कैसे ब्लॉग्स देखने हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। तो बस यहाँ पे मैं इसे क्लीन करूँगी, और बस आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us